नमस्कार दोस्तों, मैं किरण मोरे गुरुकुल ट्रेनिंग एंड कंसल्टेंसी की ओर से आप सभी दोस्तों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज हम एक ऐसे शख्सियत को यहां पर मिलने वाले हैं जो राजकोट के अंदर अवेलेबल है, जिन्होंने बहुत ही शॉर्ट टाइम के अंदर अपने व्यापार को बहुत ही बढ़िया लेवल पर लेकर गए हैं। तो स्वीटानिया फूड प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर मिस्टर भरत बारदा, उनको आज मैं यहाँ पर इन्वाइट कर रहा हूँ। सर वेलकम। थैंक यू सर। कैसे है सर? एकदम फर्स्ट क्लास सर। ओके, तो थोड़ा सर आपके बारे में बताइए, आपके जर्नी के बारे में बताइए सर। हाँ जी, मैं भरत बालदा, हमारी कंपनी का नाम है स्वीटानिया फूड एंड बेवरेजेस प्राइवेट लिमिटेड। हम लोग हमारी कंपनी में वेफर रोल, क्रीम फिलेट बाइट्स एंड शुगर कैंडी मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। और मेरी जहाँ तक मेरी जर्नी की बात है, तो मैंने 1998 में बॉम्बे में एक शॉप में जॉब किया है 4 साल। फिर उसके साथ में 2 साल पार्टनर में रह चुका हूँ। अच्छा। फूड इंडस्ट्रीज में ही। okay. उनके बाद हमारा जो हमने स्टार्ट किया डेयरी बिजनेस। okay. और जो डेयरी बिजनेस है वो हमारा गोकुल डेयरी फार्म के नाम से है, राजकोट स्थित है। और वो भी अभी भी वो शुरू है और वो हमारा छोटा भाई हैंडल कर रहा है। और उसके बाद हमारी जर्नी उससे आगे बढ़ाते हुए हम लोग ने प्रिया एंटरप्राइज के नाम से शीतल आइसक्रीम का डीलर डिस्ट्रीब्यूटर लिया, डिस्ट्रीब्यूटरशिप। और वो भी हमारा शुरू है और वो हमारा भतीजा संभाल रहा है मनोज भाई करके। और उसके बाद शीतल के और 2 डेपो हम लोग ने पार्टनरशिप में खुले। और उसके बाद हम लोग वहाँ पे वो सारा बिजनेस ऑटो मोड पे आ गया था, तो फिर हम थोड़ा फ्री हुए। तो जो फ्री बैठना ज़्यादातर हम लोग को पसंद नहीं है, तो फिर हम लोग ने एक सोचा कि हम लोग और आगे कुछ दूसरा और एक बिजनेस एक्सपांस करें सर। तो तभी हम लोग ने फिर ये बिजनेस स्टार्ट किया, स्वीटानिया फूड। ग्रेट ग्रेट सर। तो सर थोड़ा ये बताइए कि किस तरीके से आपके माइंड में विचार आया कि स्वीटानिया फूड करके एक कंपनी हम प्लान करें? उसके बारे में सर, हम लोग एक तो पहले जो हम लोग जो डेयरी है हमारा, उसमें हम लोग श्रीखंड और लच्छी वगैरह मैन्युफैक्चर कर रहे हैं सर हम लोग। तो हम लोग उसके बारे में रिसर्च कर रहे थे कि जो ये लच्छी और श्रीखंड है वो ऑल ओवर ज़्यादा एक्सपेंस करे, उसमें आगे बढ़ाया धंधे। मगर उसका माइनस पॉइंट एक था, जब हम लोग ने स्टार्ट किया तभी उसकी सेल्फ लाइफ नहीं मिल रही थी। तो उसका जो बिजनेस था वो सीमित रह जाता था। तो फिर हम लोग ने एक को चलते इसमें 1 साल तक हमारा सर्चिंग वगैरह चला, फिर हाँ R&D वगैरह चला। फिर उसके बाद एक दिमाग में ऐसा एक हम लोग ने जो चॉकलेट का शोरूम देखा, तो उसके वहाँ से हमारा माइंडसेट बदला कि हम लोग चॉकलेट लॉन्च करते हैं। तो चॉकलेट लॉन्च करने से पहले भी हम लोग ने 8-9 महीना तक हम लोग ने R&D वगैरह मार्केट रिसर्च वगैरह किया। तो इसमें चॉकलेट जो मार्केट है वो बहुत बड़ा मार्केट है और इंडिया में अभी बहुत उसका जो है, मतलब पहले ऐसा था कि जो कोई मतलब छोटा बच्चा ही खा रहा था चॉकलेट, आजकल मिठाई को रिप्लेस करके सभी लोग चॉकलेट खाते हैं। तो वहाँ से हम लोग ने ये स्वीटानिया का कंपनी डालने का हम लोग ने। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। अभी सर थोड़ा ये जानना था कि आपको आपके पार्टनर कैसे मिले और किस तरीके से आपने डिसाइड किया कि हितेश सर के साथ मिलकर हमें इस कंपनी को आगे बढ़ाना है? हितेश सर जो है वो ऑलरेडी हमारे प्रिया एंटरप्राइज जो फर्म है। ओके। प्रिया एंटरप्राइज है, श्री एंटरप्राइज है और विश्व एंटरप्राइज है जो शीतल आइसक्रीम की डीलरशिप है। ओके। उसमें हम 17 साल से तो ऑलरेडी ज्वाइंट हम लोग व्यापार कर ही रहे और पार्टनरशिप में बिजनेस कर रहे हैं। तो फिर वही जगह से और पहले से हम लोग अच्छी हमारी कॉम्बिनेशन सारी अच्छी तरह से है पहले से ही ट्यूनिंग हमारा। तो फिर उसी हिसाब से फिर हम लोग ने और एक्सपेंस करके साथ में ही अगला बिजनेस हमने शुरू किया। ये बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मतलब पहले से ही आप जुड़े हुए थे और उसी हाँ। रिलेशन को आगे बढ़ाते हुए आपने और एक हाँ और बड़े भी साथ में हुए हैं, बड़े भी साथ में हैं।
मतलब पहले से ट्यूनिंग आप लोगों पहले से ट्यूनिंग है, बहुत बढ़िया है, ग्रेट सर। अब सर ये थोड़ा जानना था कि जब आपने इस कंपनी की नींव रखी तो उस टाइम पर आपको क्या क्या चैलेंजेस आए, क्योंकि आपका ये एक्सपीरियंस एरिया नहीं था, आपने इस फील्ड के अंदर पहले से कुछ चीजें की नहीं थी, तो उस टाइम पर एक डिसीजन लेना और कंपनी को स्टार्ट करना, तो स्टार्टिंग के टाइम पर आपको इस कंपनी के अंदर क्या क्या चैलेंजेस आए सर? स्टार्टिंग के अंदर तो जैसे कि हम समझो कि ये कंपनी रजिस्टर करना है और उसका जो R&D है और इसका जो कंसल्टिंग है वो सारे वो सब ढूंढने में, और इसका जो कैसे वो बिजनेस मतलब ये जो मैन्युफैक्चरिंग लाइन है पूरा, तो उसको कैसे आगे बढ़ाना है, तो वहाँ पे थोड़ी वो जैसे कि ऑपरेटर नहीं मिलना, क्योंकि ये गुजरात में कन्फेक्शनरी बहुत कम है, सही, तो यहाँ उसका ऑपरेटर मिलना ये वो भी सारी बहुत दिक्कत होती है सर यहाँ पे। तो अब मुझे सर ये जानना था कि आपने स्वीटानिया नाम ही क्यों चुना, क्योंकि और भी बहुत सारे नाम थे कि जिससे आप अपनी कंपनी स्टार्ट कर सकते थे, तो स्वीटानिया ही सिलेक्ट करने का क्या रीजन था सर? सर स्वीटानिया का रीजन ये है कि हम लोग सबको स्वीट देने वाले हैं, जैसे कि चॉकलेट तो स्वीट है, वेफर रोल तो स्वीट है, मगर हम लोग ज़्यादातर कन्फेक्शनरी में आ रहे हैं हम लोग, तो उसी वजह स्वीट की वजह से स्वीटानिया नाम हम लोग ने अप्रोच किया हुआ सर। ओके, बहुत बढ़िया, मतलब नाम में ही स्वीट है। हाँ जी, ग्रेट ग्रेट ग्रेट, बहुत बढ़िया। हमारी जो कंपनी है उसके अंदर कौन सी प्रोडक्ट्स और कौन सी सर्विसेज के अंदर हम डील कर रहे हैं, मतलब हमारी प्रोडक्ट्स के बारे में थोड़ा डिटेल में आप बताइए। हम लोग जो वेफर रोल बना रहे हैं, मल्टीग्रेन वेफर रोल बना रहे हैं, और जो बाइट्स बना रहे हैं वो क्रीम फिलेट बाइट्स है, और वो हमारा जो बाइट्स है वो हैवी ब्रेकफास्ट में यूज कर सकते हैं लोग। ओके, एंड जो शुगर कैंडी, शुगर एंड ग्लूकोज कैंडी मैन्युफैक्चर कर रहे हैं सर हम लोग। ओके, बहुत बढ़िया। तो अभी तक हमने अपने बिजनेस को कितने लेवल आगे हमने ग्रो कर लिया है सर? अभी हम लोग ने 6 राज्य में लॉन्च कर दिया है सर हमारी प्रोडक्ट। ग्रेट, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर, वेस्ट बंगाल एंड ओडिशा। ओके, बहुत बढ़िया सर। आने वाले टाइम में आपको क्या अपॉर्चुनिटीज इस बिजनेस के अंदर आपको दिखाई दे रही है? कन्फेक्शनरी लाइन में तो सर बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, जैसे अभी तो हम लोग सारे 6 सेट ही कवर किया है, ऑल ओवर इंडिया बाकी है, और एक्सपोर्ट का भी बहुत सारा इसमें है कि आगे जाके हम लोग एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं सर। ओके, बहुत बढ़िया। और अभी जो लोग हैं उनकी चॉकलेट के प्रति डिमांड भी बढ़ रही है। सही है, मतलब पहले एक छोटी उम्र के लोग ही खाते, हाँ पहले छोटी, हाँ छोटी उम्र के ही लग कर रहे थे, अभी छोटे से बच्चे से लेके आप एकदम बूढ़े तक ले लो कि वो चॉकलेट खाना पसंद करते हैं। सही, और मिठाई को भी कहीं ना कहीं अवॉइड कर दिया है चॉकलेट ने। हाँ, अभी जैसे कि समझो बर्थडे है किसी का, तो वहाँ पे पहले मिठाई लाई जाती थी, कोई सेलिब्रेट होता था, तो अभी उसकी जगह पे जो चॉकलेट यूज होने लगे है सर सारी जगह पे। बहुत सर, मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ एक चीज़ जानने के लिए कि आने वाले 5 साल का हमारा कंपनी का विज़न क्या है, हम क्या विज़न लेकर चल रहे हैं सर? यस सर, ये हमारा विजन मिशन है सर, जो आने वाले 2026 में 40 करोड़ का टर्नओवर हमारी कंपनी करेंगे, और जहाँ तक का मिशन है हमारा, तो हम लोग व्याजबी भाव से और उच्च गुणवत्ता वाले प्रोडक्ट हमारे दरेक ग्राहक को दे के संतोष करवाएंगे उनको, और जो गोल है जो हमारे कर्मचारी है, ग्राहक है, उनको हम लोग पूरी तरह से नए प्रोडक्ट डिजाइन करके देंगे और भरोसे के साथ प्रोडक्ट डेवलप करेंगे हम लोग। बहुत बढ़िया। अब सर आगे हम बात करते हैं, विजन के बारे में हमने बात कर ली, लेकिन जब हमारे पास विजन नहीं था, जब हमारे पास सिस्टम नहीं था, या जब हमने ये सारी चीजों के बारे में सोचा नहीं था, तो उस टाइम पर हमें क्या क्या चैलेंजेस सर आ रही थी जब हमने बिजनेस को स्टार्ट किया था, उसके बारे में बताइए कि पहले का सिनेरियो क्या था? बिजनेस को हम लोग ने जब स्टार्ट किया सर, तो
तभी हम लोग जो हमारे जो शौक है कोई गोल, मतलब हमारा तभी तो पहले तो कोई गोल ही नहीं था सर हमारा। हम लोग एक को बस शुरू करना एक ऐसी जो, हाँ, और हमारे गुजराती में एक कहते अब पहले स्टार्ट कर लो, बाद में जो होगा वो देखा जाएगा सर। तो वो हिसाब से हम लोग ने पहले स्टार्ट कर दिया था सर। सही है, सही है। क्योंकि बहुत सारे बिजनेसमैन लोगों के साथ हम काम करते हैं और गुजराती लोग हमारे फेवरेट हैं, क्योंकि साहस का जब नाम आता है तो गुजरातियों का नाम आता है, ऐसा हम मानते हैं। क्योंकि गुजराती लोग एक ऐसे लोग होते हैं कि जो साहस करने में पीछे नहीं हटते। बहुत बढ़िया सर। अब मुझे ये बताइए कि किसी भी कंपनी के अंदर जब सिस्टम और मैनेजमेंट की बात आती है तो सिस्टम और मैनेजमेंट को लेकर आपका क्या विचार है? सिस्टम और मैनेजमेंट से सर, एक तो आप जो बिजनेसमैन है, एंटरप्रेन्योर जो कहते हैं, एंटरप्रेन्योर मतलब जो जब तक सिस्टम और मैनेजमेंट रहे नहीं रहेगा तब तक जो बिजनेसमैन है वो एक बिजनेसमैन नहीं रहेगा सर, एंटरप्रेन्योर नहीं रहेगा। वो एक समझो कि कंपनी का एम्प्लॉय की तरह ही काम करता रहेगा सर, वो सेल्फ एम्प्लॉय बोला जाएगा उसको सर। और सिस्टम और जो मैनेजमेंट जब कंपनी में एस्टेब्लिश हो जाएगा तो उससे जो बिजनेसमैन है वो एकदम फ्री होके काम कर सकता है और जो उसको एक्सपांस करना है उसके बारे में सोच सकता है, उसको टाइम मिलता है सोचने का। बहुत बढ़िया सर। अब मैं ये जानना चाहूँगा कि आपका और गुरुकुल का सफ़र कैसा रहा और कहाँ से ये जर्नी स्टार्ट हुआ था? सर गुरुकुल और जो हमारा जो संपर्क है वो मतलब 2020 से हुआ है और उसके साथ जुड़ने से हमारा जो बिजनेस में भी ग्रोथ हुआ है और जो सिस्टम और मैनेजमेंट की जो अभी आपने बात की उसमें भी हम लोग ने खासी बहुत जो छोटी मोटी चीज़ें हैं वो ऑर्गेनाइजर स्ट्रक्चर है, JDKRA है, जैसे SOP है, ऑर्गेनाइज अपना ये वो सारी जो सिस्टम है सेल्स की है तो वो सारी सिस्टम हम लोग को थोड़ा बहुत हम लोग जानते थे और ज़्यादातर जानने को हम लोग को गुरुकुल से मिला है सर। बहुत बढ़िया। और दूसरा सर ये जानना चाहूँगा कि गुरुकुल के अंदर एक ट्रेनिंग पार्ट भी आपने अटेंड किया था जिसको हम कहते हैं LDP, लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम। हाँ जी। क्योंकि गुरुकुल ये मानता है कि कोई भी बिजनेस जब आगे बढ़ता है तो उसका सबसे बड़ा कारण होता है उसका लीडर, और वो लीडर अगर तैयार हो जाता है तो कंपनी ग्रो होना ही होना है। हाँ जी। तो अब मुझे थोड़ा ये बताया कि LDP प्रोग्राम अटेंड करने से पहले और LDP प्रोग्राम अटेंड करने के बाद आपके अंदर क्या क्या चेंजेस आए सर? LDP ज्वाइंट करने से पहले एक तो मेरा जो रीडिंग था वो रीडिंग में नहीं करता था एकदम पहले, और सुबह में जो एक्सरसाइज था वो नहीं कर रहा था, और जो हमारे जो कंपनी में डेली जो प्रार्थनाएं की जाती है सुबह में वो नहीं कर रहे थे हम लोग, और जो टू डू लिस्ट है वो नहीं कर रहे थे, और मतलब बहुत LDP के बाद हमारा जो पर्सनल डेवलपमेंट है वो भी बहुत अच्छा हुआ सर। ग्रेट ग्रेट सर, बहुत बढ़िया। हमें ये सुनकर ही हमें बहुत अच्छा और प्राउड फील होता है। हाँ, और एक बात तो मैं रह गया सर, मेरा जो LDP ज्वाइंट करने से पहला मेरा स्टेज फियर बहुत था, मैं मतलब माइक पे या स्टेज पे मैं बात नहीं कर सकता था सर। सही। तो LDP के बाद में मेरा स्टेज फियर भी बहुत खुला सर, कम हुआ सर। खुली थोड़ी। हाँ जी, बहुत बढ़िया सर। अब थोड़ा सर ये बताना है कि बहुत सारे बिजनेसमैन यहाँ पर ऐसे हैं कि जो लोग अपना बिजनेस स्टार्ट कर देते हैं और छोटे से बिजनेस को स्टार्ट करके वो आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन हमारे व्यूअर्स को आप थोड़ा बताइए कि एक छोटे व्यापार को अगर उनको बड़ा करना है तो उनको अपने बिजनेस में क्या क्या चीज़ें करनी ज़रूरी है? कोई भी छोटा बिजनेस है उसको बड़े तक लेके जाने के लिए सिस्टम और मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है सर। सिस्टम और मैनेजमेंट के बिना आगे बढ़ना वो असंभव है सर। मतलब सिस्टम और मैनेजमेंट एक चीज़ ऐसी है कि वो एस्टेब्लिश अगर किया जाए तो हमारी जो हॉबीज होती है
या हमारा जो इंटरेस्ट एरिया होता है उसके लिए हम टाइम निकाल पाते हैं? इंटरेस्ट एरिया जो है हॉबीज है, हमारे जो शौक है और जो हमारे जो फैमिली को, जो एक्चुअली बिजनेसमैन वही कहला जाता है कि फैमिली को और उसकी हॉबी को टाइम दे और वो जब सिस्टम और मैनेजमेंट होगा तभी वो टाइम दे पाएगा अपनी फैमिली को सर। मतलब ज्यादातर बिजनेसमैन ना होके बिजी मैन होते हैं। हाँ, बिजी मैन होते हैं। जैसे मैंने अभी अपना बात हुआ, जैसे सेल्फ एम्प्लॉय। सही है। और बहुत सारे बिजी होने के साथ वो सोचते हैं कि अपने बिजनेस को ग्रो किया जाए। हाँ, लेकिन बिजनेसमैन वही होता है कि जो टाइम से फ्री हो तब जाकर वो अपने बिजनेस को बढ़ा। हाँ जी, डेफिनेटली। अब सर आगे आपसे ये जानना था कि आपने इस इंडस्ट्री के अंदर जितनी भी चीजें आपने की, तो आने वाले टाइम में इस इंडस्ट्री के अंदर आपको क्या दिख रहा है कि कौन सी नई नई टेक्नोलॉजी और कौन सी नई नई चीजें इस इंडस्ट्री के अंदर आने वाली हैं जो आपको लग रहा है? जैसे कि हमारी कंपनी की मैं बात करूं सर, तो हमारी कंपनी में अभी सेमी ऑटो मशीनरी है। आगे जाके हम ऑटोमेशन पे उसको लेके जा सकते हैं और जो हम लोग हमारी कंपनी को एक्स्टैब्लिश आगे कर सकते हैं। और इस इंडस्ट्रीज का मतलब जितना आप में दम है उतना आप बढ़ सकते हैं सर। तो आने वाले 5 सालों के अंदर या आने वाले 2-3 साल के अंदर हमारी कंपनी का एक्सपेंशन का क्या प्लानिंग है, हम किस तरीके से ग्रो हो रहे हैं? हमारे जो आने वाले के 5 साल में सर, हम लोग और हमारा जो टारगेट है, और हम लोग अभी हमारा जो 27 SKU है और हम लोग टोटल हमारा टारगेट है, टोटल प्रोडक्ट हम लोग 50 तक SKU लेके जाएंगे सर। बहुत बढ़िया। और जो अभी जो हमारे पास में जो 7 वाली जो हमारी कंपनी के 7 वाली जगह है उसमें हम लोग हमारे दूसरी नया प्लांट लगाएंगे सर, एक्सपांस करेंगे उसमें सर। और उसमें शायद आप फुल्ली ऑटो? हाँ जी, प्लांट के अंदर आप जाने वाले? हाँ जी। बहुत बढ़िया। और जो अपना व्यापार है उस व्यापार को आप किस लेवल पर ग्रो करने वाले हैं? व्यापार तो अभी जैसे बात हुआ हमारा, हम लोग अभी 5 स्टेट में काम कर रहे हैं इंडिया में, तो ऑल ओवर इंडिया में काम करेंगे और एक्सपोर्ट भी करेंगे सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब सर एक चीज़ ये भी जाननी थी कि आपकी सफलता का राज क्या है सर? आज आप यहाँ तक पहुँचे, इतने सारे बिजनेस आपने किए और उसके बाद आज एक नया बिजनेस भी आपने बहुत अच्छी तरीके से सेटअप किया, तो आपकी सफलता का राज क्या है सर? हमारी सफलता का राज तो सर, एक तो जो फैमिली सपोर्ट। बहुत बढ़िया सर। और जो मेहनत, कभी बिजनेस में रात या दिन हम लोग ने नहीं देखा है सर। और जो हमारी टीम है वो भी हम लोग को सारा सपोर्ट दे रही है सर। हमारा जो बाकी का बिजनेस है अभी जैसे आइसक्रीम का, वो ऑटोमेशन हमारी पूरी टीम के ऊपर ही चल रहा है सर। बहुत बढ़िया सर। साथ साथ में ये भी जानना था कि यहाँ तक जो अपना जर्नी रहा है उस जर्नी के अंदर हमारी टीम का क्या कंट्रीब्यूशन रहा, हमने टीम ने हमें क्या सपोर्ट दिया सर? टीम ने तो हम लोग को हर एक पोजीशन में सपोर्ट किया हुआ सर। जैसे कोविड आया 2 साल और कोविड की सिचुएशन हो या चाहे अपने को नाइट शिफ्ट करनी है, वो दिन भी किए हुए और साथ में नाइट भी किए हुए हैं, मतलब काफ़ी। हाँ जी, जो कस्टमर ने जो हम लोग को टाइम दिया होता है कि ये टाइम में हम लोग को माल चाहिए, तो वो टाइम में हम लोग माल प्रोवाइड करके दे सकते हैं, क्योंकि वो टीम ही हमारी जो है वो करके दे सकती है, वो हम लोग नहीं कर सकते, टीम ही कर सकती है सर वो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सर अब ये भी जानना था कि गुरुकुल की साइड से आपने जो कंसल्टिंग की सर्विसेज ली हुई है, तो उस कंसल्टिंग सर्विसेज को लेके आज हमें क्या क्या बेनिफिट्स मिल रहे हैं? गुरुकुल की कंसल्टेंसी लेने से सर, एक तो सेल्फ डेवलपमेंट। ओके। और बिजनेस के अंदर जो जो सिस्टम और मैनेजमेंट की जो बात कर रहे हैं हम लोग, के सिस्टम में टू डू लिस्ट है, JDKR है, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है, HR पॉलिसी है, एम्प्लॉय सेल्स का जो JDKR है, हम लोग ने गुरुकुल से ज़्यादातर जाना हुआ है सर। बहुत बढ़िया सर। अब सर ये कुछ बातें आपसे जाननी थी कि इतनी सारी चीज़ें जब हमने की और इतनी सारा डेवलपमेंट जब हमारी लाइफ के अंदर हमने किया है,
तो अब आपकी लाइफ का ऐसा क्या आने वाले टाइम का आपका विजन है, आपकी पर्सनल लाइफ का या आपकी प्रोफेशनल लाइफ का, कि जो आप अचीव करना चाहते हैं? मतलब इतना भागने के बाद भी आज आप क्यों भाग रहे हैं, आज हम क्यों मेहनत कर रहे हैं? हाँ, जो मेहनत करने का एक ही रीजन है सर, कि जो भी हमारे साथ जो भी लोग जुड़े, जैसे एम्प्लॉय है, कोई डीलर डिस्ट्रीब्यूटर है, उसका मतलब कहते ना कि उसका जो हमारे साथ जुड़ने से उसको ज़्यादा से ज़्यादा फायदा है, को वही हमारा बेस्ट रीजन रहेगा सर। और जो भी हमारी प्रोडक्ट है उसको यूज करेंगे तो मतलब वो हेल्थी तरीके से उसका हेल्थ, मतलब जो हम लोग प्रोडक्ट की ऐसी मल्टीग्रेन बना रहे हैं तो उसको हेल्थ अच्छा रहेगा सर उनका। बहुत बढ़िया सर। एक पॉइंट्स के ऊपर सर बात करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था, और वो पॉइंट था कि हमारी कंपनी का सर USP क्या है। हम लोग सर जो हमारे कस्टमर है उसको अच्छी और गुणवत्ता वाली प्रोडक्ट दे रहे हैं, और जो हमारी जो प्रोडक्ट है बाइट्स, वो एक हैवी ब्रेकफास्ट है, और जो हमारी जो प्रोडक्ट रेंज है वो उच्चतर माध्यम से हम लोग प्रोडक्ट को डेवलप करते हैं सर। मतलब ये सारी चीज़ें हमारी USP है। हाँ जी सर, बहुत बढ़िया। और ये भी चीज़ सर जाननी बहुत ज़रूरी थी कि जब हमने ये सफ़र स्टार्ट किया और आज इस सफ़र पर हम पहुँचे हैं, तो अभी तक का अपना माइलस्टोन क्या रहा, हमने अभी तक के अचीवमेंट्स क्या क्या किए हुए हैं? हम लोग ने जो अचीवमेंट है वो हमारा जो पहले साल का जो टारगेट था वो 1 crore का टारगेट था सर, तो हम लोग ने वो टारगेट अचीव किया था 1 year में सर, पहले ईयर में। ग्रेट सर, कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू। पहले साल का टारगेट आपने अचीव किया उसके लिए। और लास्ट में सर बस एक ही चीज़ आपसे जाननी थी, और बहुत सारे व्यूअर्स हमारे यहाँ पर थे, उन लोगों को बतानी थी कि कोई भी ऐसी बात है जो आपको लग रही है कि किसी भी इंसान को अगर अपनी ज़िंदगी में कामयाब होना है या उसकी कंपनी को अगर उसको सफल करना है तो उसको क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो आप एक बात शेयर कर दीजिए सर। सर मेरी तरफ से सब लोग को कहना यह है कि एक तो सिस्टम और मैनेजमेंट डेवलप करना है, और कोई भी हालत हो, हर टाइम पे कोई भी हालत हो वहाँ पे पॉजिटिव माइंडसेट से काम करना है सर, और जो हम लोग का जो विजन मिशन गोल है वो क्लियर होना चाहिए और उसी पे हम लोग को काम करना चाहिए सर। कि गुरुकुल ने एक विजन लिया है कि 5000 कंपनियों को 500 करोड़ तक हम पहुंचाने वाले हैं आने वाले 10 साल के अंदर, तो उसमें से स्वीटानिया कंपनी एक कंपनी है, और ये एक मिशन लेकर हम यहाँ पर ये अपना सफर जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम खत्म नहीं कर रहे, यहाँ से हम नया जर्नी शुरू कर रहे हैं। ओके सर, सो थैंक यू सो मच सर, आपने यहाँ पर टाइम दिया, अपना कीमती वक्त यहाँ पर आपने दिया, और ये एक अच्छी हेल्दी डिस्कशन हमने यहाँ पर की।